दोस्तों आपका स्वागत है हमारे आज के इस क्लास में। तो इस क्लास में हम कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस करेंगे। शॉर्ट सेंटेंसेस यानी कि जो आपको बात करने में आसानी होगी। एक चीज और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब भी आपको वक्त मिले तो उस टाइम आपको हिंदी के जो अल्फाबेट्स हैं उसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जब सेंटेंस फॉर्मेशन होगी उसमें मिस्टेक नहीं होंगे। अब वर्ड्स है लाइक द, थ, तो बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी सीख रहे हैं वो थ नहीं बोल सकते हैं, वो त बोलते हैं, च छ तो वो छ नहीं बोलते हैं, वो च बोलते हैं। तो जब उसका सेंटेंस में यूज होता है तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस। पहला है एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट यानी कि बिल्कुल नहीं, डेफिनेट है कि बिल्कुल नहीं, तो एब्सोल्युटली नॉट इज बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू कमिंग विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, आर यू कमिंग विथ मी। नेक्स्ट है एज सून एज पॉसिबल, इसको इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं प्लीज डू माई वर्क ASAP यानी एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो इसको हिंदी में बोलेंगे जल्दी से जल्दी, दैट मीन्स फटाफट। इसको हिंदी में कई सारे लोग फटाफट भी बोलते हैं, तो फटाफट मेरा काम कर दो, एज सून एज पॉसिबल मेरा काम कर दो, जल्दी से जल्दी मेरा काम कर दो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस बिलीव मी। बिलीव मी का हिंदी सेंटेंस है मेरा विश्वास करो। अब बिलीव मी का दूसरा वर्ड भी है यकीन, मेरा यकीन करो। एक और वर्ड भी है भरोसा, डिपेंड ऑन मी। सो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज थ्री वर्ड्स, मेरा विश्वास करो, मेरा यकीन करो और मेरा मेरे पे भरोसा करो, मेरे पे भरोसा करो, यू कैन डिपेंड ऑन मी। तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो व्हेन यू से बिलीव मी। ओके, नेक्स्ट है बाय इट। बाय इट यानी कि ये खरीदो, पर ये को इसमें बोलते हैं बाय दिस बाय दैट, जैसे बोलते हैं यहाँ पे इट लिखा है, तो आप कह सकते हैं ये खरीदो या आप कह सकते हैं खरीद लो, बाय इट। ओके, एक बार और कर लेते हैं, अब इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट विल बिकम बिल्कुल नहीं, आर यू कमिंग विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, एज सून एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी और फटाफट। नेक्स्ट वर्ड है बिलीव मी, मेरा विश्वास करो या मेरे ऊपर यकीन करो या मेरे ऊपर भरोसा करो। नेक्स्ट है बाय इट। बाय इट को कह सकते हैं ये खरीदो, दैट मीन्स ये खरीदो, एंड और यू कैन ऑल्सो से खरीद लो। ओके, दिस इज नाइस, बाय इट। आई होप दिस इज सिंपल टू यू एंड यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस। And also people who are in the English learning mode who want to learn Hindi, I suggest that you people do your pronunciation of the Hindi words on an headphone. So it will be simple for you when you are doing your sentence formation.